धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। धीरे धीरे हम चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे तुम बेहतर महसूस करने लगोगे। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं धीरे 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 धीरे, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रेजुअली ग्रेजुअली। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा ग्रेजुअली, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब आएगा तो वो टेंस के हिसाब से लिख दिया जाएगा, इसके बाद अदर वर्ब्स। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ग्रेजुअली यू विल नो एवरीथिंग, ग्रेजुअली यू विल नो एवरीथिंग। धीरे धीरे आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। धीरे धीरे हम चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होंगे। ग्रेजुअली वी विल बी रेडी टू फेस चैलेंज, ग्रेजुअली वी विल बी रेडी टू फेस चैलेंज। धीरे धीरे लोग अपने अधिकारों के प्रति जाग रहे हैं। ग्रेजुअली पीपल आर अवेकिंग टू देयर राइट्स, ग्रेजुअली पीपल आर अवेकिंग टू देयर राइट्स। धीरे धीरे तुम बेहतर महसूस करने लगोगे। ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर।